नमस्कार दोस्तों, आज एक फिर नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, वो फाजमा जेरोक्स मशीन के बारे में पूरा वीडियो होने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो सजेस्ट किया है राहुल भाई ने, वीडियो सजेस्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों, फाजमा जेरोक्स मशीन में क्या कुछ हमें मिल जाता है, फाजमा जेरोक्स मशीन में क्या कुछ आ जाता है, कौन कौन सी बातें उसमें होती है, वो पूरी डिटेल में आज की वीडियो होने वाली है। और वीडियो बेहतरीन होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और दोस्तों, आप भी कोई वीडियो में सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट करके बता देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी आप वहां मैसेज कर सकते हैं, वहां मैं आपका क्वेश्चन का तुरंत आंसर दे देता हूं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर आप नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रिंटिंग से रिलेटेड नई नई अपडेट आपको मिलती रहे और आपको प्रिंटिंग से रिलेटेड सबसे आगे रखे, क्योंकि अभी 3-4 वीडियो बेहतरीन प्रिंटिंग से रिलेटेड आने वाली है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। फाजमा जेरोक्स मशीन, यह फाजमा जेरोक्स मशीन क्या है? कि कोई फाजमा कंपनी है जो जेरोक्स मशीन प्रोवाइड करती है? नहीं, कोई भी कंपनी का फाजमा मशीन आ जाता है। फाजमा मशीन, कई लोग इसको रेंट पे भी मिलने वाला मशीन बोलते हैं, कई लोग भाड़े मिलने वाला भी मशीन बोलते हैं, ये सभी फाजमा मशीन होता है। ये फाजमा मशीन आप जेरोक्स की कंपनी हो, कैनन कंपनी हो, या कोई भी ब्रदर हो, कोई भी एप्सन हो, कोई भी कोनिका मिनोल्टा हो, ये सभी कंपनी के मशीन फाजमा की तरफ से हमें मिलता है। ये फाजमा क्या है? जो रेंट पे देने वाला मशीन होता है उसको फाजमा जेरोक्स मशीन बोलते हैं। और ये फाजमा में कई सारी कंडीशन भी होती है, वो सारी कंडीशन की बात आज इस वीडियो में होने वाली है। दोस्तों, ये फाजमा मशीन जो होता है, जो रेट पे मिलता है, वो कंपनी से कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कोई पेडी ये मशीन कंपनी से लेती है, और सर्विस अपने आप या कंपनी की तरफ से लेके हमें ये मशीन यूज करने के लिए प्रोवाइड करती है। ये हो गई फाजमा। दोस्तों, आपको कोई कोनिका का मशीन चाहिए तो कोई कंपनी या कोई पेडी वो मशीन इसका कंपनी से लेके हमें प्रोवाइड करती है, और कोई सारी कितनी सारी कंडीशन रखती है, जो अपने हिसाब से जो मशीन आता है हमारे यूज के हिसाब से उसकी कंडीशन रखती है। तो कोई एक मशीन के बारे में मैं आज बात करूंगा कि इसमें कौन कौन सी कंडीशन होती है। दोस्तों, हमें कोई भी मशीन, छोटा मशीन लेते हैं, यानी कि कोई भी मशीन लिया हमने, दोस्तों कोई भी मशीन हम परचेस करते हैं वो कंपनी से परचेस करते हैं, लेकिन इसमें जो फाजमा मशीन होता है उसमें एक थर्ड पार्टी होता है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है या कोई भी पेडी होती है, वो फाजमा करके हमें देती है। वो कंपनी से थर्ड पार्टी पहले मशीन ले लेती है और नया मशीन हमें प्रोवाइड कर देती है। वैसे भी आरसी मशीन में भी हमें कोई भी मशीन ऐसे ही प्रोवाइड किया जाता है कि दोस्तों उसकी प्राइस हो वो हमें थर्ड पार्टी को देनी होती है, वो थर्ड पार्टी कंपनी को प्राइस दे देती है। दोस्तों, पूरी मशीन हमें परचेस करनी होती है, मान लीजिए हमने ये 3300 मॉडल आता है वो थर्ड पार्टी से आरसी परचेस किया है, या कोई भी कोनिका का मॉडल हो वो हमने थर्ड पार्टी से परचेस किया है, उसकी कोई बार प्राइस कंडीशन होती है, कोई 50% प्राइस हमें पहले देनी होती है या 100% प्राइस हमें पहले दे देनी होती है, हम पूरी प्राइस उनको दे देते हैं, वो मशीन हमें प्रोवाइड कर देती है। और दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो भी पहले कंडीशन होती है 3 साल 4 साल 5 साल या 10 साल तक, उसको वो कंडीशन से रिलेटेड जो भी सर्विस है वो हमें प्रोवाइड कर दी जाती है। उसका जो मशीन से रिलेटेड कोई भी मेंटेनेंस हो, यानी कि उसमें टोनर हो, कोई भी ड्रम चेंज करना होता है, कोई भी उसमें मेंटेनेंस हो, वो कंपनी यानी कि वो थर्ड पार्टी और कंपनी मिलके हमें प्रोवाइड करती है। हमें कोई भी उसका मेंटेनेंस भी नहीं डालना होता है, उसमें कोई भी टोनर भी नहीं डालनी होती है, उसमें सिर्फ हमें यूज करना होता है, उसमें प्रिंट निकालनी होती है, और जो भी कोनिका का मशीन होता है, जो कलर होता है, उसमें कलर कॉपी निकालनी होती है। दोस्तों, ये हो गई यूज करने वाली बात। अब इसमें प्राइस की कोई भी कंडीशन होती है, जो कलर मशीन आता है, कोनिका का बड़ा मशीन आता है, उसमें कोई भी मशीन से हिसाब से कंपनी हमें कंडीशन रखती है कि आप महीने में 40,000 50,000 उसमें मिनिमम प्रिंट निकालनी ही होती है। जो बड़ा वर्क करते हैं वो बड़ा मशीन लेते हैं, उसको इतनी कॉपी निकल जाती है, जो छोटा वर्क करते हैं उसको छोटा मशीन लेते हैं तो उसमें 10,000 कॉपी एक मंथ में निकल जाने की वो कंडीशन रखता है, कोई 15,000 मंथ की कंडीशन रखता है। जो 15,000 कॉपी हमें वो निकाल कर कंपनी को या थर्ड पार्टी को देनी ही होती है, उससे कम कॉपी निकल जाए तो उसकी प्राइस हमें उसको थर्ड पार्टी को देनी होती है।
क्योंकि जो मशीन आता है उसके हिसाब से वो प्रिंट्स का रिलेटेड उसकी प्राइस हमको लगा देता है कि क्या होता है। कोई भी मशीन हमने लिया उसकी एक मंथ की 10,000 कॉपी हमें प्रिंट करने की कंडीशन रखी है, तो 10,000 कॉपी का मशीन के हिसाब से एक कलर कॉपी का हमने कंपनी ने हमें थर्ड पार्टी को ₹4 या ₹5 बता दिया कि आपको एक कॉपी का मेंटेनेंस मशीन में पूरा उसमें मेंटेनेंस आ जाता है। जो टोनर होता है वो सारा मेंटेनेंस टोनर और मशीन का कोई भी मेंटेनेंस पर कॉपी ₹4 के रिलेटेड चलता है। हमारी 10,000 कॉपी मंथ में निकल जाती है, 10,000 की कंडीशन है, पर प्रिंट ₹4 के हिसाब से 10,000 का उसे दे देना होता है। और 9,000 कॉपी निकल जाए, 8,000 कॉपी निकल जाए, तो हमें 10,000 की कंडीशन है तो 10,000 का ही पूरा पेमेंट उसको करना होता है। और 10,000 से ज्यादा कॉपी निकल जाती है तो मान लीजिए आपको 11,000 12,000 13,000 कॉपी निकल गई तो उसको 13,000 से रिलेटेड ₹4 की प्राइस लगा के पूरा उसको पूरा पेमेंट कर देना होता है। दोस्तों ये कंडीशन के हिसाब से, प्राइस की कंडीशन के हिसाब से लग जाता है। आप कोई भी प्रिंटिंग का वर्क कर रहे हैं तो आपको उसमें क्या करना होता है, हमें मशीन और पूरी मेंटेनेंस का ₹4 लग गए। अब हम जो भी कागज यूज करते हैं वो कागज हमारा रहता है, वो कागज प्लस करके और उसमें अपना मुनाफा प्लस करके यानी कि प्रॉफिट प्लस करके हमें कस्टमर को वो प्राइस दे देनी होती है। ₹4 हमें कंपनी ने प्रिंट का लगा दिया और कागज हमारा ₹2 ₹3 ₹4 का आ गया और उसमें प्रॉफिट लग जाता है और वो हमें पार्टी को कह देना होता है जो हमारा कस्टमर लोग होते हैं। दोस्तों ये फाजमा मशीन में ये सारी कंडीशन आ जाती है। दोस्तों ये फाजमा मशीन में क्या होता है, कोई भी सर्विस के लिए आपको थर्ड पार्टी को कॉल करना होता है, वो सर्विस से रिलेटेड कोई भी इंजीनियर भेज देता है और आपको जो महीने में एक बार दो बार आपको जो भी टाइम पीरियड की कंडीशन होती है वो कंडीशन में मशीन सर्विस हो जाता है, इसलिए इसकी प्रिंट क्वालिटी भी बेहतरीन आती है और आपका मशीन कम से कम ज़्यादा चलता है। और दोस्तों दूसरी बात ये हो गई कि इसमें कोई भी पार्ट्स डैमेज हो गया, कोई भी पार्ट्स खराब हो गया तो वो आपको टेंशन नहीं लेने की होती है क्योंकि ये थर्ड पार्टी सभी उसके कंडीशन के हिसाब से प्रोवाइड कर देते हैं। दोस्तों ऐसी कई सारी कंडीशन ये फाजमा मशीन में लग जाती है और फाजमा जो ज्यादा वर्क करते हैं जो बल्क में और वो बेहतरीन वर्क करते हैं जिसको ज्यादातर कम से कम ज्यादा वर्क रहता है उसके लिए ये फाजमा बेहतरीन है। और जो बड़ी बड़ी मशीन आती है जो एल्बम रिलेटेड जो फोटो रिलेटेड और जो बड़ा बड़ा फोटो का वर्क करते हैं वो ये फाजमा मशीन का ज्यादातर यूज करते हैं क्योंकि ये फाजमा मशीन बहुत ही कॉस्टली आती है, इसकी कॉस्ट बहुत सारी होती है, कई सारी मशीन ये कॉस्टली आ जाती है इसलिए वो कंपनी से ही रिलेटेड सारी वो मेंटेनेंस करवा लेते हैं। ये फाजमा मशीन में कई सारा मेंटेनेंस आ जाता है और ये मेंटेनेंस का चार्ज भी बहुत होता है इसलिए कॉपी के हिसाब से कंपनी को भी मुनाफा मिलता है और जो हम मशीन यूज करते हैं हमें भी मुनाफा मिलता है और कस्टमर को कॉपी भी अच्छी मिलती है इसलिए हमारा वर्क भी ज्यादा रहता है। और दोस्तों ये फाजमा मशीन हो गई, आपको यह फाजमा मशीन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके बता देना। और दोस्तों आप कोई भी फाजमा मशीन यूज कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना आप कौन सा फाजमा मशीन यूज कर रहे हैं वो मॉडल नंबर के साथ हमें बता देना। और दोस्तों आज प्रिंटिंग से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेट होते हैं और ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए क्योंकि ऐसे ही नए नए प्रिंटिंग से रिलेटेड और टेक्निकल अपडेट आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली कई वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।